गाइस सी प्लस प्लस के हम अंदर हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड फंक्शंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह फ्रेंड क्लासेस हम लोग बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग फ्रेंड फंक्शंस बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है देखी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शंस को थोड़ा और नज़दीक से देखेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स देख कर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut28.cpp। मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिख दूंगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। और मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में बताया कि ये बॉयलर प्लेट कोड लिख कर किस तरह से आता है, तो आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को देख लें, शुरू से एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, और क्लास का नाम रखेंगे क्लास एक्स, ठीक है, और मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को। और यहाँ पर क्लास का जो सी है वो स्मॉल मुझे रखना पड़ेगा और क्लास एक्स एक बनाऊँगा और उसके बाद इसमें कुछ इंट डेटा दे दूँगा, ठीक है, एक डेटा इंट आ जाएगा। फिर मैं इसके कुछ पब्लिक मेंबर्स रखूँगा और मैं रखूँगा सेट डेटा, वॉइड सेट डेटा रखूँगा और इंट डेटा, ठीक है, या फिर सेट वैल्यू कर देता हूँ उसको, क्योंकि डेटा हमने ऑलरेडी बना लिया है तो सेट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है, और सेट वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोलूँगा डेटा को कर दो वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो इसका प्राइवेट मेंबर डेटा है वो बराबर हो जाए वैल्यू के, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी क्लास लिखूँगा और उसका नाम रखूँगा वाई, ठीक है, उसका नाम मैं वाई रखूँगा और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसके अंदर भी डेटा लिख दूंगा, इसका भी एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम भी सेट वैल्यू रखूंगा, उसके अंदर मैं इंट वैल्यू ही दूंगा और उसके बाद में डेटा इज इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा। यानी कि मैंने कुछ नया काम किया ही नहीं, एकदम एक्स के जैसी आइडेंटिकल बना के चाप दी क्लास एक और, ठीक है, तो दो क्लासेस मैंने बना दी, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, एक और फंक्शन, ठीक है, सेमी कॉलन लगाकर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक ऐड फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और उस ऐड फंक्शन को क्या करूंगा, मैं एक तो ऑब्जेक्ट दूंगा एक्स का ओ वन, ठीक है, और एक वाई का ओ टू, ठीक है, यानी कि जो ओ वन है वो एक्स का ऑब्जेक्ट है और ओ टू जो है वो वाई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं लिखूँगा सी आउट समिंग डेटाज ऑफ एक्स एंड वाई ऑब्जेक्ट्स गिव्स मी, और उसके बाद ओ वन डॉट डेटा प्लस ओ टू डॉट डेटा, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप एक्स के डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो, वो तो प्राइवेट है। तो एक मैंने क्या किया, एक क्लास लिख दी सिंपल सी, बहुत सिंपल क्लास है एक्स, और एकदम वैसी की वैसी एक और क्लास लिख दी, उसका नाम है वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस डेटा को नम कर दूंगा, ठीक है, नम कर दूंगा इसको, जस्ट 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 इन ऊपर नीचे वाली क्लासेस को थोड़ा बदलने के लिए नम कर दूंगा, मतलब कन्फ्यूज मत होना, मैं सोचना एक्स को दो बार बना दिया मैंने, इसको मैंने नम कर दिया, ठीक है, और ओ टू डॉट नम हो जाएगा फिर, क्योंकि जो वाई है उसका ऑब्जेक्ट है ओ टू, और ओ टू डॉट नम करूँगा तो इट विल मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा प्राइवेट डेटा उसकी वैल्यू नम है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा, कंपाइलर बोलेगा ओके एक्स एक्स ये चलो बढ़िया चलो बढ़िया, ऐसे करते करते नीचे को बढ़ेगा, जैसे ही नीचे को बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसको जैसे ही ये फंक्शन मिलेगा, और अगर इस फंक्शन को किसी ने कॉल किया वो कहेगा ओके तुम एक्स का ओ वन ऑब्जेक्ट है, एक वाई का ओ टू ऑब्जेक्ट है, तुम उनके डेटा को सम कर दे रहे हो, बोलेगा एक मिनट रुको यहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों के डेटा को एक्सेस कैसे कर रहे हो, सम तो दूर की बात रही, तुमने एक्सेस कैसे किया उसके प्राइवेट ऑब्जेक्ट को। एक्स बोलेगा कि मेरा दोस्त है, ऐड जो है वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको दोस्त बना रखा है अपना। कंपाइलर बोलेगा कि यार लिख दिया करो ताकि मुझे बार बार इंडिविजुअली आके पूछना ना पड़े, तो इसलिए डिक्लेरेशन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। और हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं फ्रेंड दोस्त, ठीक है, उप्स यहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, फ्रेंड यानी कि दोस्त है मेरा, कौन कह रहा है ये बात, एक्स बोल रहा है, कह रहा है दोस्त है मेरा, void add,
जो लेता है एक ऑब्जेक्ट एक्स क्लास का, दूसरा ऑब्जेक्ट वाई क्लास का, और सेमीकोलन। और यही बात बोलेगा कौन? यही बात बोलेगा ये वाई भी, बोलेगा दोस्त है मेरा ऐड, जो एक ऑब्जेक्ट लेता है एक्स का, एक ऑब्जेक्ट लेता है वाई का। अब कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा एक्स का, एक्स ए और वाई बी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वाई का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं कह रहा हूँ ए डॉट सेट वैल्यू, और उसमें मैंने तीन जो है वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ बी डॉट सेट वैल्यू, यानी कि बी के बाद ही लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको 5 लिख दूंगा, ठीक है। बी डॉट सेट वैल्यू 5। अब मैं क्या करूँगा, ऐड ए बी कर दूंगा, यानी कि मैं ऐड को ए और बी ऑब्जेक्ट दे दूंगा जो मैंने बनाया है, या फिर ए वन बी वन कर दो इनको, अगर आप कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो तो। ए वन बी वन ऑब्जेक्ट है, ए वन है हमारा ऑब्जेक्ट एक्स क्लास का, बी वन ऑब्जेक्ट है वाई क्लास का, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल है, और ये सवाल मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने वीडियोस कितनी अच्छे से देखे हैं, और आप लोगों ने कितने अच्छे से समझा है इस चीज़ को, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना समझा है चीज़ों को, जैसे ही आप लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे कि इसमें कोई एरर आएगा या नहीं। तो सवाल आप लोगों के लिए, कोई क्विज कि क्या ये प्रोग्राम कोई एरर थ्रो करेगा, ये आप लोगों के लिए सवाल है। और आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये प्रोग्राम कोई एरर थ्रो करेगा या नहीं करेगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं पॉज करूँगा थोड़ा, और आप लोग मुझे बताना, मैं थोड़ा रुकता हूँ। आप लोग ने पॉज करके मुझे नीचे कमेंट में बता दिया होगा आई होप। मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और जवाब ये है कि इसमें एरर आएगा, ठीक है। ये देखो एरर आ रहा है, और ये कह रहा है नोट डेटा इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, जब कंपाइलर ऊपर से रीड करता हुआ आएगा नीचे की तरफ, वो बोलेगा चलो ठीक है, एक्स तो ये खुद है, वाई क्या है, वाई तो मुझे मालूम ही नहीं क्या है। तो आपको एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो आपको वाई के होने की मौजूदगी का एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा यहाँ पर। आप लोगों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपको बताना होगा कंपाइलर को कि भाई वाई यहाँ पर मौजूद है, और बस इतना करने के बाद देखो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी सारे एरर्स जा चुके हैं, और ये प्रोग्राम रन हो चुका है, और इनका सम ऑब्वियसली 8 आने वाला है। हमको मालूम है 5 और 3 8 होते हैं, 15 और 3 कर दोगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने बनाया था आप लोगों को फ्रेंड फंक्शंस को समझाने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि फ्रेंड अब क्लियर हो गया होगा, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, और एक कमेंट आया था उसमें पूछा गया था कि एक सिंपल एग्जाम्पल मिल सकता है क्या, तो मैंने उस कमेंट को एड्रेस किया बेसिकली इस वीडियो से। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दे दूँ फ्रेंड फंक्शन का, तो ये है वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड फंक्शन का। उसी के साथ साथ एक कॉमेंट और आया था, उसमें ये बोला गया था कि क्या एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मिल सकता है फ्रेंड फंक्शन का। तो हाँ यार वो भी ले लो, वो भी मैं दे देता हूँ, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी दे देता हूँ फ्रेंड फंक्शन का, और मैंने ऑलरेडी दे रखा है बाय द वे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, तो मैं यहाँ पर TU28B लिखूंगा, और CPP एक्सटेंशन दे दूंगा, बॉयलर प्लेट लगाऊंगा यहाँ पर। और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और क्लास C1 के नाम से क्लास बनाऊँगा, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा यहाँ पर C1 के अंदर लिखूँगा इंट C1 val, ठीक है। यानी कि C1 की वैल्यू, C1 क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। C1 val मैंने कर दिया, काम करता हूँ उसको वैल ही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर मैं कुछ पब्लिक इसके मेथड्स जो हैं वो बना रहा हूँ, और वो है इन डेटा, और इसमें क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि एक इंटीजर मैं लूँगा, और मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल इज इक्वल टू ए, यानी कि ये सेट डेटा है मेरा, ठीक है। इनपुट डेटा कह लो, सेट डेटा कह लो, वही बात है। फिर उसके बाद मैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, और ये सिंपली कुछ नहीं, सी आउट कर देगा किसको, वैल को सी आउट कर देगा, ठीक है। और मैं एक कैंडल भी लगा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, और एक क्लास जो है मेरी तैयार हो चुकी है। और सेमी कॉलन कभी लगाना भूलना मत ज़िंदगी में, नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा मार खाओगे ज़िंदगी में अपनी, मैं तो नहीं मार सकता यहाँ पर वर्चुअली, बट ज़िंदगी में मार खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यार। एक आलसी मानस होने के कारण मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंट वैल किया, सेम मैंने फंक्शंस बनाए,
और मैं एक काम करता हूँ, इसको वैल टू कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको इस तरह से बना दे रहा हूँ। बाय द वे हम कर क्या रहे हैं आपको बता देता हूँ। हम एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो कि क्लास सी वन और क्लास सी टू इन दोनों के प्राइवेट डेटा को स्वाप कर देगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो उसकी हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉल बाय रेफरेंस कर यूज़ करूँगा यहाँ पर। मैंने कॉल बाय रेफरेंस आप लोगों को बताया था और मैं यहाँ पर लिखूँगा सी वन एम परसेंट और उसके बाद मैं लिख दूंगा एक्स और उसके बाद सी टू एम परसेंट वाई, यानी कि रेफरेंस टू अ डेटा ऑफ टाइप सी वन, रेफरेंस टू अ डेटा ऑफ टाइप सी टू, ठीक है। तो ये रेफरेंस जाएगा इसके अंदर, एक्सचेंज के अंदर रेफरेंस जाएगा। और यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंगे इसको स्वाप, यहाँ पर वैल रखा था शायद, मैंने वैल रखा था, वैल वन रखा था, वैल वन कर देता हूँ ऊपर, वैल टू नीचे गया तो ऊपर वैल वन कर देते हैं, लो इसको वैल वन कर देते हैं। तो बेसिकली मैं एक्सचेंज के अंदर टेम्प में वैल वन और एक्स डॉट वैल वन में मैं क्या करूँगा वाई डॉट वैल टू, ठीक है, और उसके बाद वाई डॉट वैल टू इज इक्वल टू टेम्प। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, कभी भी दो नंबर को हमें स्वाप करना है तो ये स्वाप करने की टेक्निक होती है। टेम्प इज इक्वल टू, अब जैसे ए और बी को स्वाप करना है, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी लिखवा देता हूँ, जो ट्रिक यूज़ करिए कि नहीं, भी दो नंबर को स्वाप करना होता है, जैसे कि ए और बी को स्वाप करना है तो ये लॉजिक लिखते हैं आप, टेम्प इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका जो ए है वो बी के साथ स्वाप हो जाएगा। जैसे मान लो ए मेरा वन था, बी टू था, ठीक है, वन और टू करा तो टेम्प में पहले वन आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ए में आ गया जो बी था, यानी कि टू आ गया, ए में अभी टू है, और बी में क्या आ जाएगा जो ए में पहले था, यानी कि टेम्प इज इक्वल टू ए था, वो आ जाएगा। आप इस लॉजिक को रन करके देखें और आपको पता चलेगा कि इस लॉजिक से ए और बी स्वाप हो जाते हैं, यानी कि दो नंबर स्वाप हो जाते हैं जो भी दो नंबर आपने दिए। तो आप इसको पेपर पर करके देखें सही से और ये क्यों काम करता है आपको समझ में आएगा इसके पीछे की मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो है इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूँगा सी वन का एक सी वन ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ओ सी वन रख कर देता हूँ, सी वन का ऑब्जेक्ट, सी टू का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ओ सी टू, और उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली बस वही ओ सी वन का जो इन डेटा है वो यूज़ करूँगा, इसके अंदर 34 डाल देता हूँ, और उसी के साथ साथ जो ओ सी टू है यहाँ पर आलसी होने के कारण कंट्रोल डी यूज़ करूँगा, ओ सी टू को क्या करता हूँ 67 डाल देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा ओ सी वन और ओ सी टू दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा सी आउट लिखूंगा और मैं लिखूंगा दी वैल्यू आफ्टर एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग बिकम्स, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे बिकम्स लिखूंगा और एंडल लगा दूंगा, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ एंडल नहीं लगाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये इसके साथ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी वन डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और ओ सी वन डॉट डिस्प्ले सॉरी, और ये ओ सी टू डॉट डिस्प्ले, ठीक है। वैल्यू ऑफ, यहाँ सी वन आ जाएगा या ऑफ सी टू आ जाएगा, पहले सी वन की क्या थी वैल्यू 34 थी और सी टू की क्या थी 67, तो इनको हमें एक्सचेंज करना है। यहाँ पर देखो कुछ एरर्स आ रहे हैं और ये एरर्स क्यों आ रहे हैं ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्यों आ रहे हैं ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है उसको इस तरह से रन करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ओ सी टू डॉट डिस्प्ले कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है जो कि हम प्रिंट करें, ये फंक्शन रन करके खुद ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वो एरर मैंने ठीक कर दिया, लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है ये आप मुझे बताएं। इस बार वो बात नहीं है जो पहले थी, पहले तो हमने क्या गलती करी थी, पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं दी थी, तो क्लास सी टू लो मैंने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी दे दी। अब बताओ क्या गलती है, गलती है कि हमने फ्रेंड फंक्शन ही नहीं लिखा यार। तो फ्रेंड फंक्शन लिख लेते हैं, और फ्रेंड कहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो मैं इस बार फ्रेंड को यहाँ लिखूंगा ये बताने के लिए कि फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन को आप प्राइवेट वाले सेक्शन में भी दे सकते हो, पब्लिक वाले सेक्शन में भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ देना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिखूंगा,
वॉइड एक्सचेंज, और उसके बाद क्या करूँगा, एक तो सी वन का एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता, रेफरेंस लेता है, ठीक है, सी टू का एक रेफरेंस लेता है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी, इसके साथ भी दोस्ती कर लूँगा, सी टू के साथ भी दोस्ती हो जाएगी, दोनों के साथ दोस्ती हो गई, क्या आपको एरर आएगा, ये आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सवाल है ये। इस प्रोग्राम को देखो आराम से और मुझे बताओ कि कोई एरर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है और मैं पॉज करूँगा आपके कॉमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कॉमेंट करें और मुझे बताएं कि आएगा एरर या नहीं आएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज, कॉमेंट कर दें नीचे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपने कमेंट किया होगा। मैं इसको रन करता हूँ और इस बार बिल्कुल कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है। लेकिन होगा क्या कि जो सी वन थी उसकी वैल्यू इस बार 67 हो गई और सी टू की 34 हो गई। और पहले सी वन क्या था, 34 और 67 था एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करने से पहले। तो इस फंक्शन को ज़रा समझ लेते हैं। हमने सी वन और सी टू दो क्लासेस बनाई, यानी कि दो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली एक एक्सचेंज फंक्शन लिखा। हमने कहा कि ये जो एक्सचेंज फंक्शन, ये दोस्त है सी वन का भी, यानी कि ये सी वन के भी प्राइवेट पार्ट्स को एक्सेस कर सकता है और सी टू के भी प्राइवेट पार्ट्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये दोनों का फ्रेंड है। ये लेता क्या है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेता है, एक सी वन का रेफरेंस लेता है, एक सी टू का रेफरेंस लेता है, ठीक है। और क्योंकि इसने इस बार रेफरेंस लिया है इसलिए क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो सी वन एम परसेंट, सी टू एम परसेंट मैंने यहाँ पर लिखा है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए, अगर ये एम परसेंट हटा दिया जाए यहाँ से और यहाँ से भी एम परसेंट हटा दिया जाए, यहाँ से भी एम परसेंट हटा दूँ मैं और यहाँ से भी एम परसेंट हटा दूँ, तो क्या वैल्यू स्वॉप होंगी या नहीं होंगी। देखो बाकी सब कुछ तो ठीक है, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वैल्यू स्वॉप होंगी या नहीं, आप लोगों के लिए सवाल है। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, और सोच लें पहले, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद कमेंट करके बताएं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और पहले जो मैंने सवाल पूछे थे वो सिंपल थे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलराइट, सो मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप स्पॉइलर को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर दें और खुद सोच के करना चाहते हैं तो खुद से करें, मैं अभी बता रहा हूँ आंसर क्या है। आंसर है कि वैल्यू स्वॉप नहीं होंगी, आउटपुट आएगा 34 और 67। और मैं आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब हमने एक्सचेंज को रेफरेंस नहीं दिया तो एक्चुअल में कॉपी बन गई ऑब्जेक्ट की, यानी कि जब आपने कहा सी वन एक्स तो एक कॉपी होके पास हुई सी वन में एक्स, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो वैसे का वैसे ही रहा, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं हो सकता, तो वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहानी है और ये सब चीज़ें मैंने आपको रेफरेंस वेरिएबल वाली वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस करी है तो आप लोगों ने देखा होगा रेफरेंस वेरिएबल्स वाला वीडियो नंबर 7, और वहाँ आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। और सी प्लस प्लस का ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और मैं अभी क्या करूँगा, जहाँ जहाँ एम परसेंट लगा था ना वहाँ वहाँ वापस से लगा दूंगा एम परसेंट, और मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा, ऑल्ट क्लिक करके जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ कर्सर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी वन एम परसेंट, सी टू एम परसेंट था, सी वन एम परसेंट, सी टू एम परसेंट, और यहाँ पर मैं एम परसेंट लगा देता हूँ और यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, और बाकी जो है इस बार जो है मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो स्वॉप हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 67 34, ठीक है। सो आई होप कि फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर होगा, और उसी के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मैंने एक ईजी और एक थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने रेफरेंस वेरिएबल्स को मिक्स करके बनाया है, बट आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो कर लें एक्सेस जल्दी से जल्दी, बुक मार्क कर लें इसको, और उसी के साथ साथ वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहें, उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और आप लोग मुझे कमेंट में फीडबैक देते रहें, जैसे कि कमेंट्स आए उसी वजह से ही वीडियो बना। तो अगर आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को कंटेंट देता रहूँगा और आप लोगों को भी जो है हेल्प मिलती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।